हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, मैं पी रहा हूँ ग्रीन टी। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, मैंने खा लिया है ब्रेड और रात को गोभी की सब्जी। और चैंप अभी अभी पता चला कि उठ चुका है, मुझे लगा सो रहा होगा, बट तो चैंप हमारे उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हो गई है। क्या होता है, क्या होता है, उठो, चलो स्कूल, चलो स्कूल, स्कूल चलो, स्कूल चलो, गुड मॉर्निंग हो गई, स्कूल चल, अब चल स्कूल। ये क्या तरीका है तेरा गुड मॉर्निंग बोलने का। तो चलिए जी दोस्तों, निकल चुकी है सवारी ऑफिस के लिए। आज 90% बारिश है देहरादून में। दिखाता हूँ बाहर का मौसम, ये देखो काले बादल, पूरे शहर में बादल है भाई साहब। और ऐसे मौसम में हम मसूरी जाने के बजाय कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है, आयुष ऑफिस जा चुका है, मैंने ग्रीन टी पी ली है और ये अपना टेक रहा है, कालू मदारी आया है। ये कौन बैठा है इसके साथ, स्मोकी। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्मोकी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है खिलौने फेंकने के साथ। अभी पानी गर्म हो रहा है इसका, इसको हिलाऊंगी। तब तक मैंने अपना दिन में जो खाना बनाना है उसकी सब्जी काट ली है। आज बनेंगे ग्रेवी वाले टिंडे की सब्जी, टेस्टी बनती है। लोग सोचते हैं ना कि बेकार बनती है, नहीं, इसकी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। और मैंने सोचा कि तब तक काट लेती हूँ उसका सामान, प्याज व्याज टमाटर सब कुछ। मैं ब्रेकफास्ट का काम बाद में करूँगी, पहले इसको नहलाऊँगी, या साथ साथ ब्रेकफास्ट का भी काम कर लूँगी। मुझे चाय पीने का बड़ा मन है, चाय पीऊँगी। तो बस अभी इसका काम करते हैं, इसे देखिए। नहाई नहाई हो गई है, तमीज़ी कर रही है वहाँ झाड़ू वाली आंटी के साथ। आज हमारे घर में आए हैं एंजल। हेलो एंजल, आज एंजल की छुट्टी है क्योंकि डीएम ने ऑर्डर्स दिए थे बारिश की वजह से, लेकिन बारिश तो हुई नहीं सुबह से। थोड़ी सी हुई थी ना, थोड़ी सी थी। बाहर का मौसम देखिए फिर क्या हो रहा है। ये देखो निर्वैर सो रहा है, तभी वो वेट कर रही है कि वो उठेगा तो मैं उसके साथ खेलूंगी। और बाहर मौसम है कुछ ऐसा, अभी बारिश हो रही है एंजल, बारिश हो रही है मतलब हल्की हल्की, काले बादल भरपूर है। चलो आज आयुष को ये नहीं लगेगा कि मैं गाड़ी ले गया और बारिश नहीं हुई। तेरी ड्रेस तो बड़ी प्यारी लग रही। थैंक यू। कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। और ये उठ गया है, गुड मॉर्निंग। जो ये एंजल को देख के खुश हुआ भाई, बहुत खुश हुआ इसे देख के। छलांग मारी इसने बेड से। तो दोस्तों मैं नहा गई हूँ और मैं कर रही हूँ निर्वैर के खाने की तैयारी। बाकी तो खाना बन गया है टिंडे की सब्जी। निर्वैर उठ गया है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। टिंडे की सब्जी मैंने पहले निकाल दी थी तो वो मैंने बॉईल कर दी थी टमाटर के साथ, और अब मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है। अब मैं दे रही हूँ जीरे और घी का तड़का उसको, देखते हैं टिंडे खाता है नहीं खाता है आज, बट हर चीज़ देनी चाहिए बच्चे को। निर्वैर की रोटी बना रही थी तो वो मैंने बना ली है, और उसका खाना भी मैश कर दिया, बस उसे खिलाना है। और मैंने कल बनाया था, जैसे कि आपको बताया था कल के व्लॉग में, कि घी निकाला है तो उसके बाद जो मट्ठा बचता है ना, मट्ठा बनता है, वो बनाया था मैंने। मट्ठा छाछ जो भी बोलो, थोड़ा सा ये बनाया है मैंने, ये बचा बनाया। हमारे घर में कोई नहीं खाता मतलब पीता, तो मैं सोच रही हूँ उसको ना आज तड़का लगाएं दिए से। दिए से तड़का लगा के मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है। उत्तराखंड में बहुत फेमस है ये वाला, काफ़ी जगह पर भी बनाते हैं अब तो खैर, तो इसका तड़का बड़ा टेस्टी लगता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट हैं जो डलेंगे, धनिया, साबुत मिर्च, ये है जखिया, और ये है जीरा और हींग। और ये हो रहा है बहुत गर्म, तो ये सीधा इसके अंदर डाल देंगे और फिर ढक देंगे। हेलो दोस्तों, आई एम बैक। लंच टाइम हो चुका है, बारिश आ रही है बहुत, आज लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है गाड़ी में सही ले आया यार, चलते हैं लंच करने, भूख लग रही है बहुत तेज। सुबह भी मैंने एक ब्रेड ही खाई थी वैसे। बारिश देखो यार, बारिश कैसी हो रही है भाई, और देहरादून में ठंडी और ठंड भी लग रही है अब तो भयंकर। आज तो ऑफिस में बैठे बैठे भी ठंड लग रही थी भाई साहब। ये देखो जी मौसम का हाल और ट्रैफिक का हाल। तो दोस्तों अब कर रहे हैं लंच, आज कार्तिका ने बनाया टिंडे।
और चैम भी खा रहा है मेरे साथ। टिंडे चैम खा रहा है, टिंडे। वाह चैम बेटे, टिंडे पसंद आए तुझे? ये ले ये तू ये खा, ये भी पापा के साथ लंच टाइम पे लंच करते हैं। वाह जी वाह, कैसा लगा? नाइस। तो ये बन चुका है और तड़का भी बढ़िया लग गया। इसके जो दिए को बहुत तेज़ गर्म करता, वो छोंक की आवाज़ आती है। मैंने भी किया था लेकिन मुझे डर था कि कहीं ना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन फट जाते हैं एकदम से गैस पे रखते ही, तो मुझे वो डर था, इसलिए मैंने ज़्यादा गर्म ही मतलब गर्म करा। एक होता बहुत तेज़ गर्म करना, वो नहीं करा। तो ये बन चुका है, इसको टेस्ट करेंगे। तीखा बढ़िया हो रहा, बहुत तीखा हो रहा। तो लंच हो गया है, आयुष भी लंच करके चला गया है, मैंने किचन भी साफ कर दी है, मटका भर रहा है बस। और अभी बज रहे हैं 3, अब निर्वैर भी खाना खा रहा है, वो धीरे धीरे खाता है, उसको खाना खिलाना है और उसके बाद वो सोएगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद शाम को मिलते हैं आपको, सारे काम निपटा के। भी मुझे मशीन से कपड़े भी डालने हैं क्योंकि धूप तो आनी रही है और बारिश आ रही है, तो मैं ड्राॅइंग रूम में डालूंगी। आज तो टिंडे खा लिए है ना नोना, टिंडे खा के दिखा दिए सबको है ना, फिनिश कर दिया। देखो अपनी कटोरी उसने फिनिश कर दी टिंडे खा के। हाँ क्लैपिंग, डांस कर दो इसी बाद में, डांस कर दो। डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग 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 लक लक, डांस करता है ये बहुत, इसे बहुत शौक हो गया आजकल डांस। इसको कार्तिक चाचू ने सिखाया इसके डांस करना। मजा आ गया टिंडे खा के। खाना फिनिश हो गया है और इसकी मस्ती शुरू। हंस रहा है, रो रहा, समझ ही नहीं आ रहा। पूरी चेहरी कर दी हंसी है। एंजल से बात कर रहा है। पैर दे पैर। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का समय हो रहा है और निर्वैर उठ गया है, मैं भी उसी के साथ लेटी हुई थी, तब मैं सोच रही थी कि सो जाऊं बट नींद आई नहीं ऐसे। मैं बना रही हूँ डिनर, न्यूट्री आलू और चावल, और निर्वैर कर रहा है पॉटी, ये देखो। तो बस अभी इसको क्लीन करते हैं और इसको डायपर पहना के फिर बाहर घुमाते हैं, क्योंकि अभी से भी खेलने का टाइम हो गया है इसका। और कुछ खिलाऊंगी इसको, बनाना शेक बनाते हैं इसके लिए। और आयुष भी आने वाला होगा, आ जाएगा 7 बजे तक, 7:30 तक। तो मेरी सब्जी और राइस बनने वाले हैं। ये बन गया है निर्वैर का बनाना शेक, मेरा काम हो गया है कम्प्लीट। और ये मैंने इसका निर्वैर का बनाना शेक है वो देते हैं। खाना बन चुका है आज मेरा 7 बजे से पहले, फॉर अ चेंज। और अभी जब आयुष आ जाएगा तो देखते हैं कि चाय बनानी है या लेमन टी, जो भी वो बोलेगा वो बना देंगे, क्योंकि मैं तभी बनाऊंगी, क्योंकि बार बार बना के कोई फ़ायदा है नहीं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर और अभी कार्तिका कर रही है डिनर और मैं बना रहा हूँ लेमन टी। बारिश हो रही है बहुत, सुबह से बारिश है, आज तो डीएम ने भी छुट्टी कर दी थी स्कूलों की। चलिए लेमन टी पीते हैं और थोड़ा सा स्टोर का हिसाब किताब करना है वो करते हैं बैठ के अभी, और मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। तो आ गया है मेरा डिनर और डिनर में आज है ये सब, ये अचार मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों ऑफिस से आ गए, चाय वाय पी के मैं निकला हूँ अपने बीवी बच्चों को घुमाने। दोनों हो रहे थे परेशान सुबह से, इनका दिमाग का कंटाला हो गया था घर में। कार्तिका भी परेशान हो रही थी और चैम भी इरिटेट हो रहा था, और कार्तिका के भी बीपी डाउन हो गया था घर पे रहते रहते। मैंने कहा चलो बाहर की हवा खा लो थोड़ी, बीपी भी सही हो जाएगा तुम्हारा और थोड़ा फ्रेश एयर भी खाओ बढ़िया से,
तो अभी एसी वीसी बंद करके मस्त शीशे खोले हुए हैं और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। इससे नीचे शीशा खोल नहीं पा रहे, ठंड हो रही भयंकर। प्री विंटर आगे पहली बारिश आ रही है और प्री विंटर मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई हाफ जैकेट वाला सीजन आ गया सितंबर में। इस बार सर्दियां पड़ेंगी मुझे तो लग रहा है जबरदस्त। तो दोस्तों चैम ने दूध पी लिया है, कार्तिका तो कुछ खाएगी नहीं और मुझे लग गई है भूख बाहर आके। चैम का दूध नहीं मिल रहा था एक्चुअली सिमिलैक ढूंढ ढूंढ के, एक्चुअली जहाँ से डिलीवरी करवाता हूँ मैं अपोलो फार्मेसी से, वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था, जितनी भी उनके ब्रांचेस हैं सब जगह आउट ऑफ स्टॉक था। तो अब एक शॉप थी यहाँ पे तो वहाँ पे मिल गया, चलो अच्छी बात है मिली। मैंने अभी तंदूरी चिकन ऑर्डर करा है क्वार्टर, क्योंकि अकेला ही हूँ मैं खाने वाला, कार्तिका ने तो खा लिया। अभी ये खाएंगे फिर डिनर करेंगे घर जाके आराम से, क्योंकि कार्तिका ने बना रखा है न्यूट्री आलू और राइस फेवरेट। दोस्तों मस्त चिकन आ चुका है और हो रहा है टेस्टी। अगर आपने खाना है तंदूरी चिकन तो दिलाराम बाजार में आइए, वेरी नाइस। तो दोस्तों घर आ गए थे और यहाँ कर रहा है आयुष डायपर चेंज। ओ भाई ओ हेलो, मैंने ग्रीन टी बना दी थी, ग्रीन टी आयुष की भी और अपनी भी, बस अब ग्रीन टी पियेंगे और इसका तो सोने का टाइम हो गया, इसने दूध पी लिया है बस अभी सोएगा, पापा भी सो गए हैं। हाँ सोने का टाइम ही हो गया वैसे, मैं अब वो देख स्मोकी ना मुझे बार बार बाहर बुला रही है कि मेरे साथ खेल, ये खेलने का टाइम है इसके साथ। आजकल हम 10 बजे सो जाते हैं। 10 बजे पता है तुम्हें स्मोकी इस जगह क्यों रहती बार बार, वहाँ कबूतर उड़ते खिड़की से बेचारी देख ही सकती है, कुछ कर तो सकती नहीं वो वैसे भी नहीं कर सकती बाहर भी चलेगी तो एकदम भागती है और मुझे कह रही इस समय खेलने के लिए, मैं इस कहाँ खेलूँ मैं इसके साथ, सोफे पे जा रही खेलने के लिए। कोई नहीं अपना खेल रही। थोड़ा सा खेलती हूँ मैं इसके साथ, उसको बुरा ना लगे इसलिए खेलती हूँ मैं उसके साथ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए प्लीज हमारे चैनल को और जरूर देखिए। देखते रहिए यार, देखते रहिए बस देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय गुड नाइट। चलो बाय गुड नाइट।